हम सिवान में प्रशांत किशोर का एक हाथ मजबूत करने का बहुत बड़ा सिपाही हैं। मेरा नाम हुआ मनमोहन मिश्रा। देखिए, हम लोग छोटे आदमी हैं, बड़े लोगों का बात नहीं करते हैं। हम लोगों ने तो जगन्नाथ मिश्र का सरकार देखा है, जब जवानी में थे, एलएस कॉलेज के विद्यार्थी थे, हमने तो वो भी देखा है। अब इधर का बात छोड़िए, कौन क्या किया नहीं किया वो हमको नहीं देखना है। मैं बिहार के भविष्य के लिए कुछ करूँ, इसलिए बिहार के भविष्य के लिए इनकी सोच बहुत खूबसूरत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम वेटनरी कॉलेज के पास है, जो कि आज जनसुराज अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। हम कुछ लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। बाबा कहाँ से आए हैं? बोधगया से। कहाँ लाए हैं? आए इनको समर्थन देने। इनको देखने आए? अरे क्या बोलते हैं इनको, नामा भूल जाते यार, स्वराज के देखने आए हैं। स्वराज को देखने आए हैं और समर्थन देंगे। समर्थन दीजिए आगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ, दो का दो को पाँच तीन को बिहार में देख लिए, दो तीन गो के लालू यादव ने सब 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 के देख लिए, और थोड़ा इसको भी देख के देखेंगे। अगर काम नहीं करे तो? नहीं करेंगे तो फिर अपने मुँह को पल्ला हल्का हो जाएगा। अगर निकल जाएंगे तो बहुत धन्यवाद रहा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं सर? सिवान से आए। किनको देखने आए हैं? प्रशांत किशोर को देखने आए हैं। क्या लग रहा है? हम सिवान में प्रशांत किशोर का एक हाथ मजबूत करने का बहुत बड़ा सिपाही हैं। मेरा नाम हुआ मनमोहन मिश्रा। मैं अनुमंडल अध्यक्ष महाराजगंज का था, अभी राज्य स्तरीय कमेटी में प्रशांत जी भेजे हैं। हम लोग पूरे दल बल के साथ आए हैं प्रशांत जी का हाथ मजबूत करने, कि उनकी विचारधारा जो है वो हमको लगता है कि पूरे हमको नहीं, पूरे बिहार के नौजवानों को, मैंने उनके विचारधारा से मैंने प्रसन्न हैं। और ये आज की भीड़ ही बता रही है कि बिहार में आगे क्या होने वाला है। लाखों लाख की भीड़, मैंने तो आप ही देख रहे हैं, मैंने ये भीड़ बता रही है कि कल क्या होने वाला है। सच्चाई यही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सबको क्या? देखिए, हम लोग छोटे आदमी हैं, बड़े लोगों का बात नहीं करते हैं। हम लोगों ने तो जगन्नाथ मिश्र का सरकार देखा है, जब जवानी में थे, एलएस कॉलेज के विद्यार्थी थे, हमने तो वो भी देखा है। अब इधर का बात छोड़िए, कौन क्या किया नहीं किया वो हमको नहीं देखना है। हम जो इनकी विचारधाराएँ हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, और इनको कोई कमी नहीं है। चूँकि बिहार में जन्म लिए तो इनकी सोच हुई कि मैं दूसरे स्टेट में जाकर काम करता हूँ, विदेश में काम किया, मैं बिहार के भविष्य के लिए कुछ करूँ, इसलिए बिहार के भविष्य के लिए इनकी सोच बहुत खूबसूरत है। इसलिए आज जो जुहूम देख रहे हैं, लाखों की भीड़, पूरा पटना जाम है, यही बता रहा है कि अगले 25 में क्या होने वाला है। सबको मौका दिए, लेकिन कोई आदमी उसको कर नहीं पाया। तो देखें कि भाई कोई कर नहीं पा रहा है तो हम तो कम से कम करें बिहार के लिए। और यही एक मात्र ऑप्शन है किशोर, नहीं तो उसके बाद में बिहार को कोई बचाने वाला नहीं है। जात पात नहीं बर्बाद हो जाएगा, ना कोई कंपनी खोलेगी और ना कोई रोजी रोटी मिलेगा, सब बच्चे लोग बाहर चले जाएंगे और जितना अपाहिज लोग हैं यहीं रह जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार 18 साल राज किए, अब आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर अगर काम नहीं करेंगे तो क्या कीजिएगा? अरे नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा। आप अपने घर में बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं कि चलो भाई आगे चल के कुछ करेगा, अब नहीं करेगा तब क्या कीजिएगा? लेकिन कम से कम उम्मीद तो रहेगा ना। ये लोग को तो देख लिया आदमी, ये लोग तो कुछ कर नहीं पाया। जात पात कुर्मी मियाँ मस्जिद में रह गया, लोग कुछ कर नहीं पाया। तो फिर नया आदमी, नया सोच है, वो अपना कुछ समझ के कर रहा है इनको कि आने वाला समय में कुछ उम्मीद इनसे है। तब तो इतना आदमी अपना काम धंधा छोड़ के आया है, तो इनसे बहुत उम्मीद है, और इनसे बहुत उम्मीद है आदमी को, इनसे विश्वास भी है, आई कुछ विश्वास भी दिलाए हैं लोग को, कुछ ना कुछ बिहार के लिए करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम भागलपुर जिला से आए हैं, अनुमंडल कार्यालय प्रभारी जनसुराज हैं। ये आज आप लाखों लाख की संख्या में जो भीड़ देख रहे हैं, ये प्रशांत किशोर के 2 साल का पद यात्रा का नतीजा है।
सत्ता, यहाँ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते प्रशांत किशोर, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और निश्चित तौर पर ये सभी साथी जनसुराजी मिलके व्यवस्था परिवर्तन बिहार में करेंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता। बिहार की जनता 15 साल दोनों को देख के मौका देख चुकी है, ठगा हुआ महसूस कर रही है। हर एक समाज, किसी का अभी तक भला नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर जनसुराज के आने के बाद बिहार के विकास और पलायन को बंद, पलायन बंद होगा और सबको यहाँ रोजगार का व्यवस्था मिलेगा। प्रशांत किशोर रोजगार देंगे बिहार निश्चित तौर पर। पहला ही 5 गारंटी लागू है, उसमें सबसे पहले पलायन को हम बंद करेंगे, महिलाओं को 4% पे ऋण देंगे। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारा वादा किए हैं, ये भी अपना वादा सब करते हैं। सब जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर की कद पूरे राष्ट्रीय राजनीति में कितना महत्व रखते हैं। ये वादा को निभाएंगे निश्चित तौर पर। इनके साथ समाज के हर एक लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर बदलाव बिहार में आएगा। 25 में मान के चलिए पूर्ण बहुमत से जनसुराज की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री आज उसी का अधिवेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो कहते हैं ना तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जिस तरह से मुख्यमंत्री बनेगा कौन, आज इसका ऐलान हो जाएगा। आप चलिएगा वहाँ तो आप पता चल जाएगा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़। बहुत सारे काबिल लोग बिहार में हैं, प्रशांत किशोर सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे। जिस तरह से लोगों के लिए रणनीति बनाते थे, अब बिहार के लोगों के लिए रणनीति बनाएंगे और बिहार के लोगों को जिताएंगे। निश्चित तौर पर सबको भागीदारी मिलेगी, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सभी समाज को लेकर के निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से प्रशांत किशोर 2025 में फुल बहुमत के साथ आएंगे और क्या वो नौकरी बिहार वासियों को देंगे, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।